हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे शेप के पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ा हुआ था और कुछ कुछ हम लोगों ने रिकॉल किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज बॉडी के कारण। तो आज हम लोग उसी चैप्टर को उस टॉपिक को और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और कुछ कुछ न्यूमेरिकल खींचते हैं और उसके बाद कंटेंट में थोड़ा डीप स्विम करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं ध्यान से। हम लोगों के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें से दो बहुत बेसिक सा चीज़ है जिसको कि हम लोग को ज़्यादा डीप में जानना है। पहला चीज़ है, हमारे पास एक कंडक्टर है ना, एक कंडक्टिंग स्फेयर है, और हम लोग जानते हैं कंडक्टिंग स्फेयर के सरफेस पर ही सारे चार्ज आ जाते हैं, और जिसके कारण से इसके सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, है ना। हर जगह पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जिस तरह से समझ में आता है ये, ठीक है। अंदर में कोई भी फील्ड नहीं था, हम लोग ये भी जान चुके हैं हम लोग है ना, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं, अगर बाहर में बात किया जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा अगर इसके ऊपर नेट चार्ज प्लस क्यू है तो, और वो जो प्लस है प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है। सरफेस पर हम लोग ये भी पढ़ चुके थे, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो हो जाता है हमारे पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो वो भी हम बताए थे के क्यू अपॉन आर हो जाता है, सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाता है, लेकिन अंदर में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, इस कारण से पोटेंशियल जो होता है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है, और जो कि सरफेस के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है ना। वी जो इनसाइड बनता है, ये हम लोग देखे थे, वी एट सरफेस जो कि के क्यू अपॉन आर के ही बराबर आएगा, ये हम लोग जान चुके थे। अगर ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख लो, अगर पिछले वीडियो में नहीं समझ में आया था तो उम्मीद कर समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं समझ में आया तो बस एक नया चीज भी देख लो, हम लोग डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ डी आर होता है ना जी, डेल्टा बी भी क्या लिखोगे। मान लेते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं, एक पॉइंट से दो पॉइंट तक, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचना चाह रहे हैं ना, यही दो पॉइंट हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे डेल्टा बी को, वी एफ माइनस में वी आई, ये लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल किसी फाइनल पोजिशन पर और माइनस में इनिशियल पोजिशन पर। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो जीरो इंटू डी आर क्या मिलेगा, जीरो, है ना, जीरो इंटू डी आर हो जाएगा जीरो। तो ये क्या लिखोगे, बी एफ कहाँ पहुंचे थे, बी पर पहुंचे थे बी ए, तो बी ए बराबर क्या हो गया, बी बी हो गया। तो हमने कोई रैंडमली दो पॉइंट टिक किया, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल हम बोल रहे बराबर है, ये तो कहा ना कि हर जगह पोटेंशियल सेम है, कॉन्स्टेंट है, जो कि सरफेस के पोटेंशियल के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जितना है उतना ही यहाँ पर है, उतना ही यहाँ पर, उतना ही सरफेस पर भी है, यानी कि पूरे सरफेस पर पोटेंशियल हमारा सेम है। इज इट ओके, यहां तक हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ था। नहीं अगर जिसको आता है भाई, कम से कम इतना छोटा सा नोट बना लो इसके बारे में, है ना, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग सॉलिड के बारे में, है ना, यहां तक हो गया सबका, हो गया ना जी, ठीक, कॉपी करो जल्दी 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 कॉपी करो। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज था इसमें, ग्राफ भी हम लोग पढ़े थे, आर के साथ में भी का क्या कनेक्शन आता है, तो हर जगह पर सरफेस आर तक, है ना, आर तक, यानी रेडियस का वैल्यू आर सरफेस तक आ गया, तो पोटेंशियल हमारा हर जगह सेम था, और उसके बाद वन अपॉन आर के हिसाब से घट रहा था, वन अपॉन आर के हिसाब से यहाँ पर घट रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखे थे कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, फिर वन अपॉन आर स्क्वायर से घटता है, यानी कि भी यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में चलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो चलता है वो कैसे चलता है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है सरफेस तक, और उसके बाद सडनली ये मैक्सिमम पहुंचता है, और फिर वन अपॉन आर स्क्वायर से ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है, यानी कि आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो गुना घट जाएगा, दो गुना बढ़ेगा तो चार गुना घटेगा, तीन गुना बढ़ेगा तो नौ गुना घट जाएगा, यहाँ पर दो गुना बढ़ेगा तो डिस्टेंस, अगर दो गुना बढ़ेगा तो वोल्टेज दो गुना ही घटेगा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है इस दोनों के मामले में। यहाँ पर ई और आर का ग्राफ है, ठीक है, सारा चीज हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको कवर किया हुआ है ना, इसको इरेज कर देते हैं, कॉपी कर लो। अब बात करते हैं सॉलिड
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। तो हम लोगों ने यह बताया था इसमें कि हर जगह पे चार्ज, यहां पर हम लोग पढ़ चुके थे यहां पर इसके बारे में कि हर जगह पर चार्ज फैला होता है ना। तो अगर हम बाहर में देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इसका नेट चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर है ना, यहां से आता कंडीशन आर का। सरफेस पर कितना हो जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर में देखे थे ई जो अंदर में आ रहा है वो था हमारे पास रो आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन जीरो या फिर के क्यू आर अपॉन आर का क्यू है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में ये होता है। उसी तरह से पोटेंशियल अगर यहां पर देखा जाए तो उसी तरह से देखा के क्यू अपॉन आर होता है, सरफेस पर वोल्टेज हमारा के क्यू अपॉन आर ही हो जाता है। लेकिन भी जो अंदर में मिलता था ये सबसे कमाल का था, इसको फॉर्मूला बोले थे याद करने के लिए, क्या था के क्यू अपॉन टू आर का होल क्यूब अपॉन आर का स्क्वायर थ्री आर का स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, हम ही बोल रहे ठीक है, थ्री आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर क्या हो गया। हाँ तो अंदर में पोटेंशियल इतना बन जाता है, और वी एट सेंटर कितना मिलता है हमको, सरफेस से तीन गुना ज्यादा, सॉरी डेढ़ गुना ज्यादा, तो यानी कि थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर, सरफेस से पोटेंशियल होता है ना के क्यू अपॉन आर, उससे डेढ़ गुना ज्यादा, देखो ना 1.5 का ना इतना ज्यादा। और इसका जो ग्राफ हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल का आर का वी के साथ में, तो हम देखे थे कि भाई सरफेस पर तो पोटेंशियल हमारा के क्यू अपॉन आर ही है ना, उसके बाद 1 अपॉन आर से ही घट रहा था, लेकिन अंदर में देखे सेंटर पर इससे डेढ़ गुना, यानी कि अगर हम बोल दें कि ये एक है तो उसका आधा और बढ़ा करके, यहां पर देखे थे कि 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर हुआ था, और ये ऐसे करके पैराबोलिक, जो पैराबोलिक डाउनवर्ड ग्राफ बना था कुछ इस तरह से करके घट गया था पोटेंशियल, ठीक है। तो यही था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जिसपे बात किए थे, पीछे कॉपी कर लो, बाकी तो और भी चीजें सीखे थे, हम लोग का उतना कोई कंसर्न है नहीं अभी उसके मामले में, इनसे इनके सवाल किए रहेंगे उसके बाद फिर छाप लो जी पहले। क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा क्वेश्चन के पहले छोटा सा एक दो चीज और भी सीख लेते हैं कि वर्क जो होता है ना, अगर पूछेगा वर्क डन क्या मिलेगा, तो यहां पर सीधा से याद रखो चेंज इन पोटेंशियल की जगह निगेटिव होता है, ये तो पता है ना वर्क डन है ना, तो इसको लिख सकते हैं यू एफ माइनस में यू आई का निगेटिव कर देंगे, तो बेसिकली ये मिलेगा हमको माइनस में है ना, माइनस अंदर भी चला जाएगा, तो यू आई माइनस में यू एफ के बराबर जाएगा वर्क, ये तो हम लोग सीख चुके हैं ना, ठीक। चलो अब इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड वर्क है ना डन टू मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट है ना फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। एक स्फेयर है ठीक है, यहां पर ये पूरा का पूरा चार्ज्ड स्फीयर है, या हॉलो है या सॉलिड है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो कि हॉलो ही है, चलो सॉलिड ही कर लेते हैं, टंग मैसेज आ गया ए और बी, रुको हमको मैसेज को बंद करने दो ठीक है। तो हाँ पहले बनाओ तुम लोग, देखो ए से लेकर के बी तक चार्ज जा रहा है ना, यहाँ पर बी है, तो यहां से यहां तक चार्ज को लेके जाने में इसके रेडियस आर दिए हुए हैं, और इस पर नेट चार्ज कैपिटल क्यू है जो पूरा चार्ज फैला हुआ है, तो हमको ए से लेकर के चार्ज को बी तक जाना है, बता दो कितना होगा इसका वर्क, जल्दी बोलो। ठीक, तो हम जानते हैं कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कितना लोगों से बन गया होगा पता नहीं, लाइव थोड़ी ना चल रहा, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या सीखे हैं कि भाई यू आई माइनस में यू एफ होता है, तो मतलब शुरुआती में हम कहां थे, ए पॉइंट पर थे, माइनस में बी पॉइंट पहुंचे, तो बता ए पॉइंट पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग अच्छा चलो यू के बारे में सीख लेते हैं, तो यू क्या था, हम बोले थे कहीं का जो भी चार्ज है उसको पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको निकल जाएगा वहां का पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमको ए पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो हम बोल देंगे इसका पोटेंशियल, और जब चार्ज था यहां पर तो चार्ज का वैल्यू था क्यू नॉट, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो क्यू नॉट इन टू के क्यू अपॉन आर हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बी पर जब पहुंचेगा तब भी तो वही तो चार्ज रहेगा, अब पोटेंशियल अभी भी वही रहेगा क्योंकि सरफेस पर ही है, ए पॉइंट भी सरफेस पर है और बी पॉइंट पर भी सरफेस पर है। तो यहां पर से यहां तक लेके जाने कोई वर्क नहीं हुआ है, यानी कि वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। छोड़ो इस पॉइंट से इस पॉइंट, यहां से लेके यहां तक भी पहुंचोगे, इस पूरे सरफेस पर कहीं पर भी लेके जाओगे चार्ज को, तो कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 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 पोटेंशियल हर जगह का सेम है। चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम आएगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी ही सेम आ गया तो घटाओगे तो वर्क तो जीरो आना है। एकदम बेसिक सवाल था, छाप लो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जल्दी छाप लो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें कि हर जगह पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर नेट चार्ज क्यू है, ठीक है। और एक छोटा सा हमने टनल ड्रॉ किया, टनल समझा था ना, छोटा सा गड्ढा खोद दिया ऐसे, ठीक है। और ये हो गया हमारा सेंटर ओ, ठीक है। और यहां से हम क्या किए, इस पर से एक माइनस क्यू चार्ज जिसका मास है एम, इसको रिलीज कर दिए हैं रेस्ट से। ये चार्ज है माइनस क्यू और इसको रेस्ट से रिलीज कर दिए हैं ना, रिलीजेस फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। रेस्ट से हम रिलीज कर दिए हैं माइनस चार्ज को, ये प्लस वाला बोलेगा आ जाओ। तो हमको बेसिकली दो जगह पे बताओ, इसका स्पीड बताओ यहां पर जब ये मिडवे पहुंचेगा और जब ये सेंटर पहुंचेगा, दोनों जगह पर स्पीड बताना है। मिडवे मतलब r by 2 डिस्टेंस पर हमको स्पीड बताओ जबकि इसका इंतजार है, और एट द सेंटर, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड एट r by 2 डिस्टेंस एंड इट्स सेंटर, ठीक है। तो सेंटर पर जब ये हिट करेगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। सेम टाइप के सारे सवाल हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के हिसाब से भी देख सकते हैं, जो लोग ग्रेविटेशन में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं उन सवालों को वो भी देख सकते हो आगे, है ना। तो चलो बनाओ, देखो क्या लगाओगे, सीधा सीधी भाई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जो भी है लगा दो। तो जल्दी बनाओ, क्या लिखेंगे, यू आई प्लस के आई यू एफ प्लस में के एफ, है ना। तो हम पहले बोल देते हैं इस पॉइंट का नाम ए बोल देते हैं, इसका नाम बी बोल देते हैं, ये तो ओ है ही, है ना। तो चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तो यू ए बोल देते हैं, के ए बोल देते हैं, पहुंच रहे हैं बी पर, तो बी पर कुछ तो स्पीड रहा होगा क्योंकि देखो अट्रैक्ट तो कर ही रहा है, रेस्ट से चला तो कुछ तो स्पीड रहा होगा यहां पर। तो यहां पर हम इसको लिख देते हैं यू बी और प्लस में के बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, यू ए क्या हो जाएगा, हम बताए थे कहीं पर का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो यू बराबर क्या होता है, क्यू इंटू बी। तो यहां का चार्ज तो हमको पता है माइनस क्यू है और इसका पोटेंशियल सरफेस पर ये क्यू अपॉन आर होता है, तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू कितना हो गया माइनस क्यू और पोटेंशियल का एनर्जी क्या हो गया के क्यू अपॉन आर, सिंपल हो गया। रेस्ट से चला था इसमें जीरो लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में ए पोजिशन पर रेस्ट पे था। अब बात करते हैं बी पर, बी पर जब आया होगा किसी कुछ तो स्पीड रही होगी जिसको हम कह देते हैं वी, ठीक है। तो जब अच्छा यूबी के बारे में बात करते हैं, अब यूबी है कहां, देखो ये चार्ज जब इस स्फीयर के अंदर में आ चुका है तो हमको यहां पर चार्ज तो ठीक है पता चल गया, लेकिन पोटेंशियल अंदर वाला नहीं यूज करना पड़ेगा, अब वी इन साइड कितना होता है ना, वो भी देखना पड़ेगा। तो क्या बोल जाएगा के क्यू अपॉन टू आर का क्यूब इन टू आर का क्यूब आर स्क्वायर माइनस में थ्री आर का स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर होता था। आर का वैल्यू कितना है ना यार, आर बाय टू, यानी आर बाय टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा भी इनसाइड आ जाएगा, है ना। तो भी इनसाइड को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां पर से आ जाएगा हमारे फोर थ्री या ट्वेल्व माइनस में वन, यानी कि इलेवन, तो इलेवन के क्यू बाय टू आर इतना हो गया, इलेवन के क्यू अपॉन टू आर इतना हो गया पोटेंशियल इस जगह पे। तो अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज से, इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इतना आ जाएगा। देखो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व और ट्वेल्व माइनस में अच्छा फोर टू जा एट भी देगा, हाँ एट एट भी देगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया माइनस में कितना 11 KQ/8R हो गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। प्लस में काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या ख्याल है, हाफ ऑफ एम बीबी का होल स्क्वायर, ठीक है एकदम आसान हो गया। अब हमको ये वेलोसिटी निकालना था, इसलिए हम इसको इधर भेज देंगे, इसको हम इधर भेज देंगे, तो हमारे पास दिख रहा है 11 KQQ/8R माइनस में KQQ/R इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी बी का होल स्क्वायर, एकदम सिंपल है। अब देखो यहां पर से अगर हम 8 कर दें तो यहां साफ दिख रहा है कि 3 KQQ/8RM और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से एक कट ही जाएगा यानी 4 हो जाएगा, है ना, का रूट इक्वल टू वी बी मिल जाएगा हमको यहां से, इसकी वेलोसिटी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा सवाल हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया वी एट बी पोजीशन स्पीड, इतना कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली हम लोग अब बात कर सकते हैं इनिशियल और फाइनल सेंटर वाला, ठीक है। तो अगर हमको सेंटर पर बात करना, फिर से लिखें यूए प्लस में के यूबी प्लस में के बी, ये सब हम लोग नाइन्थ वगैरह में भी लगाते थे, लेकिन अब ज्यादा फॉर्मूले आ गए, ये सब याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, समझ में आ रही बात ना। इसलिए याद रखना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यही कि ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो यूए क्या हो जाएगा भाई, ए पोजिशन, अच्छा ये तो यही रहेगा ना, इसको तो लिख रहे थे माइनस में क्यू टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर। देखो फिर से पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी लिखना है तो चार्ज से पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देना है, तो चार्ज हमारा है माइनस क्यू और हम बात कर रहे हैं सरफेस पर, तो सरफेस का पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, रेस्ट से चला था, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं बी पर, बी पोजीशन पर पोटेंशियल, सॉरी बी कहां, तो ओरिजिन पर आ गए ना जी, सेंटर पर आ गए, तो सेंटर पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेंटर का पोटेंशियल क्या था 3/2 times of KQ/R, है ना था, तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 times of KQ/R। अभी सीखे थे कि सरफेस का पोटेंशियल से 1.5 गुना ज्यादा सेंटर पर पोटेंशियल होता है, इसीलिए हमने लिख दिया 3/2 times of KQ/R। काइनेटिक एनर्जी का देखिए फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ क्या लिख दीजिए MV² ठीक है, सेंटर का वीओ लिख देते हैं, है ना। तो यहां से हम वीओ भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो 3/2 KQQ/R माइनस में KQQ/R इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वीओ का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां साफ दिख रहा है कि KQQ/RM का रूट हो जाएगा वीओ, सॉल्व कर लेना इतना आ जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं। बाकी तुम लोग देख सकते हो मल्टीप्लिकेशन वगैरह का अपना, तुम लोग अपने से खुशी आप तो इतना हो ही कि एडिशन वगैरह कर ही सकते हो, कॉन्सेप्ट समझो, ये सब अपना तुम्हारा देख लेना क्या नहीं है, 2 तो आना ही चाहिए, नीचे ना आ जाएगा, ठीक है समझ में आ गया बात। अब बुक में क्या आंसर रहेगा, के नहीं रहता है वहां पर, वो 1/4π0 वगैरह डाल करके सॉल्यूशन करता है, थोड़ा उसके हिसाब से भी यूज कर लेना है, के की जगह 1/4π0 भी रखना है, कोई दिक्कत। तो ये सवाल इसी तरह से हम बनाएंगे, मान लेते आप यहां नहीं पूछ करके यहां पूछ देता R/3 पर, ठीक है तो R/3 पोजीशन हम बनाते, या 2R/3 रहता, R/3 रहता, जिस जगह पे बोलेगा हम उस जगह की बात कर लेंगे, एकदम आसान है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो जो छाप नहीं पाते कम से कम स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, है ना, इसका तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है बाद में जाकर के कॉपी कर सकते हो, है ना। तो थोड़ा जब बोलते छाप लो मतलब थोड़ा हम समय देते ही हैं उसको, स्क्रीनशॉट खींच लिया करो, है ना, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस बार फिर से हम लोग सॉलिड स्फीयर के ऊपर बात कर रहे हैं, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इस बार हम क्या किए कि ये सेंटर है, पूरे पर चार्ज है, ठीक है। इस बार हम क्या किए यहां पर, एक छोटा सा टनल यहां पर से ऐसे ऐसे बना दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे हम एक टनल ड्रॉ कर दिए बीचों बीच, कोई दिक्कत। इस बार पूरे पर चार्ज है क्यू, इसका सेंटर है ओ, रेडियस है आर, और यहां पर हम एक चार्ज को माइनस क्यू है जिसका मास है एम, इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, इस चार्ज को यहां से इस बार रिलीज कर दिया, ठीक है। अभी भी देख लो ये रेडियस है आर ही है, और ये डिस्टेंस है हमारा, इसको हम आर अभी हटा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है हमारा
ये कोई भी एक्स डिस्टेंस है जो कि 60 डिग्री पर है। कितना पर है? 60 डिग्री पर है। तो हमको ये जानना है कि जब ये चार्ज ए पोजिशन पर है जिसको रिलीज किया गया, तो जब यहां पर पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, और जब यहां पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो पहला सवाल हम यही कर लेते हैं, बी और इसको सी कर देते हैं, है ना। तो फाइंड स्पीड एट ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। इस तीनों पोजिशन पे हमको स्पीड निकालना है। अगेन सेम, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल यहां से स्टार्ट किए थे, सी पे पहुंच जाएंगे बाद में, फिर ए से लेकर के बी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, स्पीड यहां पर क्या होगा? जब ये चार्ज सरफेस से चला था, सरफेस पर ही पहुंच गया, तो कोई जब वर्क ही नहीं हुआ तो कहे कोई स्पीड, यानी कि स्पीड फिर से यहां पर क्या हो जाएगा? रेस्ट में ही रह जाएगा। क्योंकि ऐसे भी सोच के देखो, इसकी स्पीड बढ़ रही होगी बढ़ती मैक्सिमम हो जाएगी, अब मैक्सिमम होते 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 फिर यह घटते घटते यहां पर पहुंच जाएगा, जीरो हो जाएगा स्पीड। क्योंकि देखो चार्ज फिर से इधर खींचने लगेगा ना, प्लस वाला, ठीक है। यहां पर यह SHM कर सकता है ना, वो SHM कर सकता है, तो उसका भी हम टाइम पीरियड वगैरह भी निकाल ही सकते हैं। टाइम पीरियड भी निकाल ही लेंगे उसका फिर बाद में, एंड ऑल्सो फाइंड टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड भी हमको निकाल करके दिखाना है यहां पर, ठीक है। सबसे पहले हम स्पीड की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? UA प्लस में K, UC प्लस में KC। A पॉइंट का पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है? तो माइनस में चार्ज है, उसको लिख सकते हैं KQ अपॉन R, रेस्ट में है। UC, C पॉइंट पर जब ये चार्ज पहुंचेगा, तो C पॉइंट पर जैसे ही पहुंचेगा, ध्यान समझो पहले मेरी बात को, C पॉइंट पर चार्ज पहुंच चुका है, इसकी स्पीड जो भी होगा VC हो जाएगा। लेकिन ये चार्ज अब अंदर में है, तो अंदर का पोटेंशियल होना चाहिए हमको, तो V इनसाइड के बारे में बात करना पड़ेगा। तो V इनसाइड क्या होता है, ठीक है। V यहां के लिख लेते हैं, V इनसाइड का मतलब क्या होता है? KQ अपॉन 2R का होल क्यूब, R का स्क्वायर माइनस में, ये डिस्टेंस सेंटर से इसका डिस्टेंस x है। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? R का cos 60, और R cos 60 का मतलब कितना हो जाएगा? R by 2, क्या हो जाएगा? R by 2 का होल स्क्वायर। अभी अभी देखे थे 4 2 8, यानी कि 11 KQ अपॉन 8R आया था हमारा, अभी भी इनसाइड यही निकाले थे ना, सेम चीज यही तो आया था, ठीक है, पीछे भी। तो उसी जगह फिर से पहुंच गए, यहां पर स्पीड है इतना। तो क्या लिखें? माइनस में Q इंटू 11 के क्यू अपॉन 8R प्लस में हाफ ऑफ एम बी सी का होल स्क्वायर। क्या इसको सवाल, यह सवाल तो पीछे वाला ही बन गया अगेन, कि आधे डिस्टेंस पर स्पीड कितनी होगी, बन जाएगा आराम से, है ना। चलो जल्दी से छाप लो, हम टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं, जल्दी छाप लो। हाँ, तो जब हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड निकालने का, तो वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा था कि भाई जितना भी रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वो क्या हो जाता है? मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। रिस्टोरिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाता है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, कि जब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं इसको, यहां से इस चार्ज को यहां पर लेके आते हैं ना, छोटा सा डिस्प्लेस करवाते हैं इसको, ठीक है। हम इस पिक्चर को थोड़ा उधर नहीं बना करके, चलो इधर ही बना दे रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो यही है हमारा, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये चार्ज यहां पर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कैसे हो जाएगा? जो फोर्स लगेगा वो तो ऐसे लगेगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू है और एम है, तो यहां पर फोर्स ऐसे लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना हो जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन आर का क्यूब, पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होता है, ई इनसाइड कितना होता है, के क्यू एक्स अपॉन आर का क्यूब, इसको इरेज करते हैं। अभी अभी भी हम लोग बताए, हम लोग पढ़े थे इस चीज को, कि अगर एक काम करते हैं, जब हम इसको इस जगह से एक्स डिस्टेंस इधर भेज दिए हैं, ठीक है, और ये है हमारा आर बाय टू डिस्टेंस, ठीक है, और फोर्स लग रहा है इस पर ऐसे, लेकिन ये फोर्स से हमको कोई दोस्ती है नहीं, है क्या? नहीं, हमको इस फोर्स से दोस्ती है, ये वाला फोर्स से, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है,
तो ये जो कंपोनेंट बनेगा तो f का cos थीटा बन जाएगा, है ना। ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, f का cos थीटा, जो कि इसको इधर अगर मान लेते हैं यहां पर से चार्ज नेगेटिव चार्ज को हम इधर की तरफ भेज दें तो फिर से इधर की तरफ आएगा, यानी कि जो इधर लेके आ रहा है वो फोर्स क्या हो जाएगा, f का sin थीटा, है ना, f sin थीटा। अरे सुनो, यहां पर से जो इधर की तरफ ये थीटा अगर है तो ये हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, तो f cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो f sin थीटा ही इसका रिस्टोरिंग फोर्स है। और f का वैल्यू क्या हो जाएगा, k q r अपॉन, समझ आता है, मान लेते हैं ये r, ठीक है, ये यहां से देखकर डिस्टेंस r है और ये फोर्स है आपका, ये डिस्टेंस हमारा r है, तो f के जगह पे क्या लिखेंगे, k q r अपॉन r का क्यूब इंटू साइन थीटा बराबर m ए लिख देंगे, यही ना फोर्स इसको एक्सेलरेट करवा रहा है। चलो ठीक है, देखो ध्यान से, k q अपॉन r का क्यूब, ये स्मॉल r का, स्मॉल r क्या है, ये स्मॉल r क्या है, देखो ध्यान से, यहां पर से अगर हम एक चीज करें, देखना ध्यान से, साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा का वैल्यू देखना ध्यान से, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अपॉन r हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू x अपॉन r, ठीक है, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, x अपॉन साइन थीटा, x अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू m a, साइन थीटा खत्म हो गया, और x में हमको वेरिएशन साफ दिख रहा है, ये इधर ही दिख रहा है, यानी k q अपॉन m r का होल क्यूब इंटू x इक्वल टू a दिख रहा है, दिखे ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एसएचएम का इक्वेशन सबको पता होना चाहिए बाबा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि ओमेगा स्क्वायर यही है और एक्स यही है, यानी कि ओमेगा स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं कि ये क्यू अपॉन एम आर का होल का क्यूब, यहां से हमको टाइम ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, एक और टू पाई अपॉन टी, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू पाई रूट ओवर एम आर का होल क्यूब अपॉन के क्यूब, दैट्स योर टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज, इज इट ओके, मजा आ गया, छाप लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज तो हम बताए नहीं, अभी हम ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ले लिए थे, लेकिन यही चार्ज को अगर हम ऐसे करते कि ये छाप लो पहले, ठीक है, छाप लिए, छाप लिए जी, अरे हाँ नहीं छापे जी, हाँ छाप लिए, ओके ठीक। अच्छा देखो, अगर हम एक काम करते, छाप लिए ना, ठीक, अगर हम मान लेते हैं, छापिए ना, मान लेते हैं, अच्छा छापिए ना जी, क्या मजाक कर रहे हैं सर, ऐसे करते हैं, मान लेते हैं एक टनल हम ऐसे ड्रॉ कर देते और यहां पर से, है ना, मिडिल पॉइंट से ले जाकर कहीं पर यहां पर चार्ज को छोड़ देते, है ना, किसी एक्स डिस्टेंस पर, तो फिर से तुम अगर ड्रॉ करोगे एक्स डिस्टेंस के आगे पीछे ऐसे सब ऐसे से करेगा, इसका टाइम पीरियड अगेन सेम आएगा, क्योंकि देखो साइन थीटा पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, जो डिपेंडेंस हमारा एक्स पर है, तो टाइम पीरियड सेम आएगा, तुम ऐसे करो या ऐसे करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही बोलना था कुछ नहीं, चाहो तो तुम इस सवाल को बनाओ, तुमको सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखो क्या लिखो, के क्यू एक्स अपॉन और के क्यू वी लिखोगे, वही हमारा सीधा लिखोगे हमें, है ना, दैट्स इट। अच्छा फोर्स की जगह पे इस चार्ज को तो मल्टीप्लाई ही नहीं किए थे, ठीक है, तो फोर्स बराबर था क्यू ई होता है ना, दिया था सिर्फ ई लिखे थे ना ये क्यू ई, तो Q से मल्टीप्लाई नहीं किए थे और हमारा आंसर भी आ गया, चलो मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ बचा नहीं, छाप लो। अगला सवाल है, ध्यान से देखना, ठीक है, एक स्फेयर है और एक और स्फेयर है, ठीक है, इस पर चार्ज दिया है माइनस टू क्यू और इस पर चार्ज दिया है टू क्यू, ठीक है, और एक बीच में से टनल ड्रॉ कर दिया गया है, कह रहे हैं कि चार्ज को हम इस टनल से निकाल करके इसके सेंटर पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, जिसका वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ माइनस में क्यू, है ना, उसको हम यहाँ तक लेके जा रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये भी आर है और ये डिस्टेंस है हमारा आर और ये भी डिस्टेंस है आर, ठीक है, तो हम इसके सेंटर ए से लेकर के बी तक लेके जा रहे हैं, तो भाई स्लोली मूविंग में कितना वर्क करना पड़ेगा ये सवाल है, बाकी तो कुछ है नहीं अब, ठीक है, तो वर्क डन इन स्लोली मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये सवाल है,
तो कैसे डील करेंगे? बस कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कर लेंगे तो मेरा वर्क आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा क्या ये लिखे ना सर। लेकिन ए में दिखने में दिक्कत ये है सर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो लिखेंगे वो तो पहले इसका पोटेंशियल इंटू इसका चार्ज लिखेंगे, प्लस इसका इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल इंटू यहाँ का चार्ज लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आया कि नहीं आया? इसीलिए वो काम करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं समझ आ रहा बात? नहीं समझ में आया? एकदम सिंपल, दिमाग ही नहीं लगाओ। पहला जो कंडीशन दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? चार्ज अभी यहाँ है ना, पेयर बनाओ, वर्क सॉरी जब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे थे सिस्टम का लिखते थे तो पेयर बनाओ। क्या पेयर बन रहा है भाई? ये चार्ज और इस स्फीयर का पहला पेयर बना, इस चार्ज और इस स्फीयर का दूसरा पेयर बना, तीसरा पेयर क्या बन रहा है? ये स्फीयर और ये स्फीयर का, तीन पेयर बना। नहीं समझ में, फिर से देखो यहां पर कितने पेयर बन रहे हैं, एक चार्ज और इस स्फीयर का पहला, ये चार्ज और दूसरा स्फीयर दूसरा, और ये चार्ज ये स्फीयर और ये स्फीयर तीसरा। तो तीन स्फीयर बने ना, तीन पेयर बने ना, तीनों का हमको पोटेंशियल लिख करके दिखा दो, वो हो जाएगा अभी का। बाद में जब चार्ज यहां पहुंचेगा तब फिर से नया सिचुएशन तैयार होगा, वो नया पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन तैयार होगा, दोनों कॉन्फ़िगरेशन घटा दो, मेरा वर्क आ जाएगा। ज्यादा जल्दी जल्दी बोल दिए, फिर सुनो। शुरुआत में क्या दिख रहा है? ये एक कंडीशन दिखा, ये हमारा इनिशियल स्टेज है ना, ये क्या है? इनिशियल स्टेज। जब बाद में क्या देखेंगे, ये चार्ज यहां पहुंच चुका होगा है ना, ये चार्ज जब इस जगह पहुंच चुका होगा तो जब यहां पहुंचेगा तब क्या कंडीशन बनेगा? ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस टू क्यू के बीच का एक पेयर, फिर यहां पर माइनस टू क्यू है ना, और इसका एक पेयर, फिर इसका और इसका एक पेयर, टोटल अभी बाद में भी तीन पेयर बनेंगे, और दोनों पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के घटा देना, दैट्स इट, ठीक है? चलो ठीक है, काम करते हैं। तो यू एट ए लिख रहे हैं है ना, या फिर इनिशियल, इनिशियल हम लिख रहे हैं, ए ही छोड़ दो, इनिशियल लिख रहे हैं। तो जब यू इनिशियल लिखे क्या लिखेंगे? यू ऑफ ए ऑफ ए एंड स्फीयर वन, सही है क्या? प्लस यू है ना ए स्फीयर टू, अब प्लस में यू स्फीयर वन कॉमा स्फीयर टू, ऐसे लिख सकते हैं क्या? एकदम आसानी से दिख रहा है ना, देख लेते हैं। चलो दिख रहा है गलती से, ठीक है? तो ये अभी बात समझ में आया कि नहीं आया? ए और स्फीयर वन, ए और स्फीयर टू, और स्फीयर वन स्फीयर टू का हमको कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है? अच्छा सॉल्व बाद में कर लेंगे। अच्छा यू एफ के बारे में क्या बनेगा? एफ पर पहुंचेगा तो ये बी हो जाएगा, तो यू बी और स्फीयर टू है ना, ऐसे दिखाएगा यू बी और स्फीयर टू प्लस में यू बी और स्फीयर वन प्लस में यू स्फीयर वन कॉमा स्फीयर टू। और जब हम इस दोनों घटा देंगे साफ दिख रहा है कि ये दोनों हमको नहीं मिलेगा, नहीं ना मिलेगा ये दोनों वाला हिस्सा, तो हमको जो मिलना है यही चार मिलेगा, तो हमको इन चारों को निकाल लेना है, ठीक है? चलो अब बात करते हैं यू आई के बारे में। यू ए और स्फीयर वन है ना, ए और स्फीयर वन के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा? ए और स्फीयर वन का, ए का तो भाई चार्ज दिख रहा है माइनस क्यू, और इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर क्या होता है? थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ नेट है ना, के क्यू अपॉन आर है ना, फिर है ना थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ के, और उसका चार्ज है देखो माइनस टू क्यू अपॉन आर। ये हो गया हमारे यू ए स्फीयर वन का, यानी कि चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज लिखे ए का, पोटेंशियल लिख दिए पूरे स्फीयर का, काम खत्म। दूसरे के बारे में बात करते हैं, यू ए और स्फीयर टू का चार्ज है दिख रहा माइनस में क्यू, और यहां पर पोटेंशियल इसके कारण, देखो अब यहां पर पोटेंशियल इसके कारण लिखना है तो भाई इससे तो ये बाहर में है ना ये पॉइंट, तो बाहर में तो के क्यू अपॉन आर होता है, दैट्स इट, कुछ मतलब है ही नहीं। फिर सुना यहां पर मेरी बात को, इससे ये बाहर में ये पॉइंट है, क्या लिखेंगे? के क्यू अपॉन आर, तो यहां पर क्या लिखेंगे? के टू क्यू अपॉन, यहां से सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया? एक दो तीन, यानी थ्री आर है ना, बाहर में ये आउटसाइड। तो अभी हम लोग देखे यहां पर कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है ना, यहां पर थ्री आर हो गया। अगर हम यू सॉल्व कर लेते हैं, यहां से साफ दिख रहा है हमको माइनस माइनस प्लस, यानी थ्री के क्यू क्यू अपॉन आर दिख रहा है, और यहां पर दिख रहा है हमको माइनस में
टू टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू अपॉन थ्री आर दिख रहा है। सॉल्व कर सकते हैं इसको, आपको यहां से क्या थ्री थ्री या नाइन में से टू चला गया तो सेवन हो गया के क्यू क्यू अपॉन थ्री आर हमको दिख रहा है यू आई। उसी तरह से यू एफ के बारे में बात करते हैं। फाइनली फाइनली यही कंडीशन बना है, यानी कि ये हो गया हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो वो क्या हो रहा है इसको पागल हो गया ये, ठीक है हाँ, ये हो गया हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे तो अभी जो इंटरेक्शन दिख रहा है आपको फाइनली वो हमको दिख रहा है यू बी और स्फीयर टू का। तो बी और स्फीयर टू का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, तो यहां पर चार्ज लिखते हैं माइनस क्यू और यहां का पोटेंशियल क्या लिखना पड़ेगा थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन आर। तो थ्री बाय टू टाइम्स ऑफ के उसका चार्ज है टू क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये हो गया इसका पहले वाले का। अब बात करते हैं यू बी और स्फीयर वन का, तो इस दोनों के बीच में क्या रीजन बनेगा इसका चार्ज और इसके कारण जो यहां पर पोटेंशियल दिखाएगा क्योंकि इसके बाहर में है ये पॉइंट जो कि डिस्टेंस हो गया थ्री आर है ना, तो उसी को यूज करना पड़ेगा थ्री आर दिखे। तो यहां पर लिखना पड़ेगा प्लस माइनस क्यू इंटू के माइनस टू क्यू अपॉन आर है ना, के क्यू अपॉन आर है ना, उधर बाहर में के क्यू अपॉन आर हो जाता है। तो आर हो गया हमारे पास यहां पर थ्री आर, क्योंकि हो गया थ्री आर। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से हमको दिख रहा है टू से टू खत्म हो गया था, माइनस में थ्री के क्यू क्यू अपॉन आर दिख रहा है और यहां प्लस में दिख रहा है टू टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू अपॉन थ्री आर। अगेन दिख रहा है नाइन में से टू चला गया, माइनस में सेवन के क्यू क्यू अपॉन थ्री आर हमको यहां पर दिख रहा है। अगर हम वर्क निकालेंगे है ना, दिख रहा है ना सेवन क्यू क्यू वगैरह, ठीक है, तो वर्क निकालेंगे क्या लिखेंगे यू आई माइनस में यू एफ कर देंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था हमारे पास सेवन के क्यू है ना, और ये हो गया इतना, दोनों को एड कर देंगे बेसिकली तो फोर्टीन के क्यू क्यू अपॉन थ्री आर हो जाएगा, दैट्स द आंसर, ठीक है। छाप लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो और ट्राई करो कि हम कैसे इसको डील किए हैं, इस तरह सवाल को बनाओ, ठीक है ना। इसे इजी वाला एक सवाल कर लेते हैं, नहीं लग रहा है पहला सीधे जाकर ये तूफानी हो गया सवाल, नहीं जी छाप लो पहले है ना। ये सवाल अब यही ऐसे ही बता सकते थे, बता दिए, लेकिन इसके बाद वाला सवाल देखते हैं, ठीक है, तब ये वाला सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है, छाप लो पहले, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक चार्ज है देखना ध्यान से, यहां पर तीन चार्ज है, क्यू है और क्यू है, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ एल, ठीक है, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये पॉइंट हो गया ए, ठीक है। यहां से इसको इस बी पॉइंट पर उठा करके लाया जाता है, तो जब लाया जाता है तो हमको कितना काम करना पड़ेगा, यही सवाल, एकदम सिंपल सवाल है, यहां पर समझ में आ जाएगा कि तुमको पीछे पर हम काम क्या कर रहे थे, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ए से लेकर बी तक में लेके जाने में कितना काम करना पड़ा है, इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, पहले तो एक काम करो कि दो कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता है और बाद में कैसा दिखता है, ठीक है, बाद में तुम लोग तो होशियार हो ही जाएगा तो हम वो बना देंगे पहले। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन यही दिख रहा है शुरुआत में, चार्ज तो ऐसे ही है ना, अब बाद में जब ये चार्ज उठ करके यहां पहुंचेगा तो ये तीनों एक लाइन में आ जाएगा, तो तीनों हमारे पास एक लाइन में दिखेगा, यहां पर एक चार्ज क्यू, यहां पर भी एक चार्ज क्यू और यहां पर भी एक चार्ज क्यू दिखेगा, इसके बीच का डिस्टेंस एल दिखने लगेगा, ठीक है, ऐसे हो गया ना। ये चार्ज अब ए बी पोजिशन पर दिख रहा है क्योंकि पहुंच चुका है ना, ये था ए पोजिशन, यह है हमारा इनिशियल कंडीशन और ये हमको दिख रहा है फाइनल कंडीशन, है ना। ये क्या हो गया हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और ये हो गया हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। तो बस कुछ नहीं लिखना है, शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी लिखो, बाद का पोटेंशियल एनर्जी दोनों घटा दो, दैट्स इट, है ना। तो यू आई कितना हो जाएगा, तो शुरुआत का पोटेंशियल लिखने के लिए क्या बताए थे, पेयर बनाओ, तो पेयर कौन कौन बना रहा है, ये दोनों बना रहा है, ये दोनों बना रहा है और ये दोनों बना रहा है, क्या लिखोगे सर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, देखेंगे ना एल की डिस्टेंस है सबका, तो शुरुआत में क्या दिखाया के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल, फिर के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल, प्लस में के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल, सॉल्व करेंगे तो थ्री टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन एल दिख रहा है,
बाद में क्या दिखेगा हमको, इस दोनों के बीच का पेयर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस में, इस दोनों के बीच का पेयर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल प्लस में इस दोनों के बीच का पेयर के क्यू स्क्वायर अपॉन टू एल, समझेगा जी। अब इस दोनों घटा देंगे तो वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, यू आई माइनस में यू एफ कर देंगे, जब सॉल्व करेंगे इस दोनों घटा देंगे दोनों हिस्सा तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो बचेगा यही दोनों ना, इस दोनों घटा देंगे के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल माइनस में के क्यू का स्क्वायर अपॉन टू एल, साफ दिख रहा है यहाँ से के क्यू का स्क्वायर अपॉन टू एल आ रहा है, इतना आंसर अभी ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकाले, बाद के कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी निकाले, जब भी वर्क बोलेगा तो हम ऐसे ही काम करेंगे, दैट्स इट, इसमें कुछ है ही नहीं, वर्क निकालते वक्त यही काम करना ही है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा अच्छा से बात, कॉपी कर लो, अब आगे स्टडी करते कुछ चीजों के ऊपर। मेरा ध्यान से एक सवाल है कि हमारे पास एक स्फीयर है और ये भी एक स्फीयर दिख रहा है, इसका रेडियस दिया हुआ ए और इसका रेडियस दिया है बी, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, दोनों को प्लस ही मान लेते हैं, ठीक है, हमको निकालना है ये सेंटर है ओ, ठीक है, तो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है, तो हमको निकालना है पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी, है ना, बी ए माइनस में बी बी निकालना है हमको, ये सवाल दिया हुआ है, तो ये हम लोग निकालते हुए जब बताए थे पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो कहीं का पोटेंशियल निकालते हुए हम ये सीखे थे, याद है पिछले बार भी निकाले थे ऐसा सवाल, तो एक पोजिशन पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा, तो भाई इस चार्ज के कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा, दोनों कारण बनेगा, सिर्फ दोनों का लिखना पड़ेगा ऐसे, है ना, तो ड्यू टू ए और ड्यू टू बी, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर पहले ए पोजिशन पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा, पहले इसी पर स्टडी कर लेते, ध्यान सुनना मेरी बात को, यहां पर पोटेंशियल कौन बनाएगा, यहां पर भाई इसके कारण, क्योंकि इसके सरफेस पर ये पॉइंट है, इसलिए इसके कारण हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल, ये जो रेडियस है वो लिखाएगा, लेकिन ये पॉइंट इसके अंदर में है और अंदर में इसके कारण जो पोटेंशियल लिखाएगा वो इसके सरफेस वाला ही लिखाएगा, जो सरफेस के का ही जो पोटेंशियल उसके हर जगह पर होता है, ये होलो स्फीयर है, ठीक है, दोनों होलो स्फीयर है, ठीक है ना, तो अब हम क्या बोल रहे हैं, फिर सुनना मेरी बात को, बी के कारण ये पॉइंट अंदर में है, इसीलिए जितना पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा उतना ही यहां पर भी होगा, तो यहां पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन रेडियस है बी, तो उतना ही यहां पर भी होगा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं ड्यू टू ए, ए के कारण के क्यू अपॉन रेडियस ए, दैट्स इट, चार्ज है क्यू, ड्यू टू बी, बी के सरफेस पर जितना होगा वही यहां पर भी होगा, सरफेस पर कितना है के क्यू अपॉन रेडियस बी, बी रेडियस है बाहर वाले का, हो गया बी, ए बी कैसे निकालेंगे, बी पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो भाई बी पॉइंट पर अब बात करें, ध्यान देना बी पॉइंट पर, तो पहले इसे कारण, इसके कारण भाई ये पॉइंट तो बाहर हो गया, इसलिए के क्यू अपॉन आर बाहर वाला, है ना, रेडियस यहां से तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा, इसका चार्ज और यहां से तक का डिस्टेंस, तो यहां पर लिखना पड़ेगा के क्यू अपॉन बी प्लस में, फिर से ये पॉइंट इसके सरफेस पर आ गया, इसलिए के क्यू अपॉन रेडियस बी ही लिखाएगा, के क्यू अपॉन बी, ठीक है, बहुत दिमाग का पच्ची हो जाता है, कौन कैसे कैसे है, शांति से सोच को सोच लेना, ठीक है, बाकी तो समझ में आ गया, बी ए माइनस बी बी कैसे करना है, तो कर लेते हैं, ये दोनों कट गया, सॉल्व कर लेंगे, तो यहां से आप दिख रहा है के क्यू बाहर आ जाएगा, वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी दिखेगा, दैट्स योर आंसर, ठीक है, ये सवाल आई थिंक तीसरी बार चौथी बार हो चुका है, ठीक है, तो यही है जो है, अभी एक और लेते हैं, ठीक है, दो सवाल अभी और है, इस पर कॉपी कर लो, ध्यान सुनना है मेरी बात को, जो सवाल आ रहा होगा स्क्रीन पर उसको थोड़ा ध्यान देखना, क्या कह रहे हैं कि एक चार्ज है Q, ठीक है, एक चार्ज है Q, उसको इस दोनों होलो स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इसके ऊपर, तो मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है Q, इसके ऊपर चार्ज है
मतलब यहाँ पर चार्ज क्यों आया था, इस पर क्यू माइनस में क्यों आया होगा, मान लेते क्यू चार्ज ये था, उसके ऊपर से कुछ चार्ज यहाँ भेज दिया गया, कुछ चार्ज यहाँ भेज दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस तरह से भेजा गया है कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर हो चुका है, मतलब इस तरह से दोनों पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा वन बराबर सिग्मा टू हो चुका है, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, सवाल में तो कह रहा है कि इसके सेंटर पर कितना पोटेंशियल आएगा वो निकाल के दिखा दो। तो पहले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मामला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, तो वही वन मान लेते हैं, हम इसी को कह देते हैं वन पॉइंट है, इसको कह देते हैं दो पॉइंट है ना। तो बताओ इसके कारण है ना, या फिर इसको ले देते हैं ए, इसको बी ले देते ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ए और बी दोनों बाद में कंफ्यूजन करोगे, ए वन और टू कहां से भी चले जाए सर। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया लिखते हैं, चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू माइनस में क्यू अपॉन फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसका चार्ज है फोर पाई आर स्क्वायर है ना, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसका रेडियस है कितना। तो यहां से अगर देख रहा है फोर पाई से फोर पाई खत्म हो गया, तो सॉल्व करने से हमको दिखेगा क्यू माइनस में क्यू इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और यहां से हम क्यू निकाल सकते हैं, तो क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्यू कॉमन निकाल लेंगे तो हमको दिखेगा आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो यहां से क्यू का वैल्यू हो गया क्यू बाय क्यू आर स्क्वायर भी हुआ ना यहाँ पर जो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में कैपिटल आर स्क्वायर है ना। तो ये हो गया हमारे पास स्मॉल क्यू का वैल्यू, ये चार्ज आ चुका है, तो हमको इसके ऊपर इसका चार्ज निकालना पड़ेगा, तो इसके ऊपर का चार्ज है क्यू माइनस में क्यू, तो क्यू माइनस में क्यू की जगह तो ये लिखेंगे ना क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, यानी इसके ऊपर चार्ज भी आ चुका है, इसका भी चार्ज आ चुका है। तो अगर हमको सेंटर पर का पोटेंशियल लिखना है तो हम यहाँ पर पोटेंशियल कौन कौन डेवलप करेगा, ये भी चार्ज करने वाला और ये भी करने वाला, दोनों का पोटेंशियल लिख के जोड़ देना। तो इसके सेंटर में पोटेंशियल वही होगा जो इसके सरफेस पर होगा, बैठा जवाब में जो इसके सरफेस पर पोटेंशियल होगा वही ना इसके अंदर में आता है, सरफेस इन साइड मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस, दैट्स इट, इससे कुछ नहीं सोचना है। तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपॉन इसका रेडियस है आर प्लस में के स्मॉल क्यू है ना अपॉन कैपिटल आर, इसके सेंटर पर जितना ही होगा उतना ही यहां पर भी बनेगा। अब दोनों को पुट कर लेते हैं, के स्मॉल क्यू की जगह पे यही क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर इंटू आर प्लस में के इसके जगह पे ये लिख देते हैं क्यू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ठीक है अपॉन आर हो गया। तो बाकी एलसीएम ले लेंगे और के क्यू तो बाहर आ जाएगा और आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर बाहर ही आ रहा है, तो अंदर में दिख रहा है हमको यहां से आर प्लस में आर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो और बेटर तरीके से लिख सकते हैं कि क्यू आर प्लस में आर अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, दिस इज योर पोटेंशियल एट सेंटर। समझ में आ गया पूरा अच्छा से बात, ठीक है। और ये तो बहुत इजी काम था ये करना, बस एक सिंपल सा चीज था कि पोटेंशियल यहाँ पर जो बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर, अरे जो कंडीशन दिया है बराबर कर दो, उसके जो बोला निकालेंगे निकाल दो, तो सब चीज पता चल गया है ना, कॉपी कर लो आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता चुके हैं, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, सांस ले लो थोड़ा सा पानी पी लिया, ठीक है अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, तीन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है जिसके ऊपर चार्जेस हैं कुछ इस तरह से, इस पर प्लस में सिग्मा है और इस पर माइनस सिग्मा है, यहाँ पर प्लस सिग्मा दे दिया गया है और तीनों का रेडियस एबीसी डाल दिया गया है और पॉइंट्स लिखा गया एबीसी, तीनों का हमको पोटेंशियल निकालने के लिए बोला गया है। तो वी एट ए कितना होगा पहले ये देख लो, तो कैसे निकालते हैं भाई, तीनों है ना, तो ड्यू टू ए निकालेंगे, फिर ड्यू टू बी निकालेंगे और तीन चार्ज ड्यू टू सी भी निकालेंगे, इसमें कोई कष्ट तो नहीं होना चाहिए और रोना धोना नहीं करना है, ठीक है। तो ए पोजीशन पर बार निकालेंगे, इसके कारण पहले पोटेंशियल, तो चार्ज इसका कितना हो जाएगा है ना, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा,
सिग्मा इंटू एरिया निकलेगा जगह 4πa² है ना इंटू सिग्मा, ये लिखे है ना, कोई दिक्कत है? तो ये होगा चार्ज। चलो लिखते हैं, अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है तो के क्यू अपॉन आर होता है ना, के क्यू अपॉन इसका रेडियस है ए, तो के क्यू के जगह पे लिखेंगे सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन ए, के क्यू अपॉन ए, ठीक है। बी पॉइंट पर, सॉरी बी, बी के कारण यहां पर, तो बी पर जितना वोल्टेज होगा वही यहां पर भी होगा क्योंकि इसके अंदर में पड़ रहा है ये पॉइंट, तो बी पर पॉइंट वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो के इसका चार्ज जो कि है माइनस में है ना, तो यहां पर लिखा जाएगा माइनस में के सिग्मा 4πb² हो जाएगा, इसका तो एरिया होगा बी स्क्वायर अपॉन बी, क्योंकि यहां से लेकर डिस्टेंस बी है। इस पॉइंट पर सी के कारण, तो इसके ऊपर जितना वोल्टेज होगा वही यहां पर भी होगा, यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा के सिग्मा 4πc² अपॉन सी, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और के क्या जगह पर हम लिख सकते हैं 4πε₀, हर जगह लिख सकते हैं ना 4πε₀ और 4πε₀, तो 4π से 4π खत्म हो रहा है हर जगह पे, ठीक है। तो हमको जो कुछ कॉमन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सिग्मा अपॉन ε₀ बाहर आ रहा है, यहां पर दिख रहा है ए और माइनस में बी प्लस में सी दिख रहा है हमको आते हुए, है ना, सिग्मा अपॉन ε₀ ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ये आ गया हमारा वोल्टेज ए पॉइंट पर। कितना आसान था, बी पर भी निकालते हैं बी बी, तो बी बी अगर निकालेंगे इस बी पॉइंट पर तो फिर से निकालेंगे ड्यू टू ए ड्यू टू बी ड्यू टू सी, तो ए के कारण तो ये बाहर में पड़ रहा है इसलिए इसका चार्ज और यहां से लेकर निशान लेना पड़ जाएगा। फिर सुनो, स्फीयर के बाहर में पॉइंट पड़ रहा है इसलिए इसका चार्ज लेना पड़ेगा और इसका सेंटर का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तूफान आ गया है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1/4πε₀ के सिग्मा इंटू 4πa² अपॉन बी, दिखा नहीं ना, ये दिखाएगा। फिर माइनस में इसके कारण इसके सरफेस पर ही, तो यही लिखाएगा और कुछ लिखाएगा नहीं, 1/4πε₀ सिग्मा इंटू 4πb² अपॉन बी, और प्लस में इसके कारण यहां पर तो यही लिखाएगा, कुछ नया लिखाने वाला है नहीं, उसके अंदर पड़ रहा है, तो 4πc² अपॉन 4πε₀c, ठीक है। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो 4π से 4π खत्म हो रहा है, 4π से 4π यहां भी, 4π से 4π यहां भी खत्म हो रहा है, तो साफ साफ दिख रहा है कि सिग्मा अपॉन ε₀ यहां पर भी कॉमन आ रहा है। एक सेकेंड, तो भी सॉल्व करते हैं, यहां पर ए स्क्वायर अपॉन बी, माइनस में बी और प्लस में यहां पर सी बन गया है ना, बी बी बन गई है। उसी वजह से बी सी निकालो, तो बी सी निकालना है, कॉपी करो इसको पहले, लाइट चला गई, चलो खत्म कर देते हैं, ठीक है, बार बार लाइट ही चला जाता है। तो सिग्मा अपॉन ε₀ हो जाएगा बी एट सी, सी पर कौन कौन पोटेंशियल निकालेगा, इसके कारण हो जाएगा, फिर बी के कारण भी बाहर में ही आएगा, सी पर सी का आएगा ही पोटेंशियल, तो इसके हिसाब से जब आएगा तो ए स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, प्लस में ये सी बनेगा तुम्हारा पोटेंशियल सी पर, ठीक है। तो यही था पूरा कहानी इस सवाल का, ट्राई कर लेना, बना लेना, ठीक है, ऐसे ही कुछ आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ चुका है। तो ये था पूरा का पूरा कहानी, अगले दो तीन लेक्चर एक सीरीज ऑफ लेक्चर बनने वाले हैं पोटेंशियल के मामले में, जब हम लोग इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग और भी चीज़ों को स्टडी करेंगे, जैसे शील्डिंग हो गया और अर्थिंग हो गया, ये सब चीज़ सीखेंगे। थोड़ा सा कंटिन्यूएशन चाहिए अभी से, और एक एक वीडियो को पूरे अच्छे से लिखो, कॉपी करो और मजे लो, अब तो कुछ करना है नहीं, ठीक है, बाय बाय।